guys, welcome to my channel. Myself, Jheel, Jain. This channel is about fashion, beauty, lifestyle, travel, a little bit more. So the little bit more part is motivational videos. जिनके लिए मैं YouTube पे आई थी तो द फैशन ब्यूटी लाइफ स्टाइल इज नॉट द मेजर पार्ट और इवेंचुअली मैं इसमें कम ही वीडियो बना चाहिए. ओके, सो हैव यू गाइज एवर फेल्ट कि हम कई बार कुछ लोगों से मिलते हैं, हमें ऐसी वाइब आती है, हमें ऐसा कुछ फील होता है कि जो वो बोल रहे हैं वी यू नो वी बिलीव दैट, मतलब हमें कुछ अलग फील होता है. मतलब ऐसा होता है, आई थिंक सबके साथ होता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड एवरीथिंग. सो परसों अभी मैं हैदराबाद आई हूँ, लाइक सेड इन प्रीवियस वीडियो, और ऑनेस्टली मैं डाइट वाइट सब फॉलो कर रही हूँ. डाइट एज एन आई एम ईटिंग हेल्दी, नो जंक फूड फॉर जनवरी. सो हैदराबाद आने के बाद भी मैं डोसा, इडली, फ्रूट्स, जूसेस ये पी रही हूँ, नो जंक फूड एट ऑल. सो कमिंग टू द पॉइंट, परसों मैं स्टारबक्स में थी एंड आई वॉज वर्किंग और मैंने कॉफ़ी वॉफी ऑर्डर करी और मैं सब खा पी रही थी. और स्टारबक्स में बहुत बार गई हूँ बट मैंने इतनी अच्छी कॉफ़ी कभी नहीं पी है. मैंने हॉट कॉफ़ी ऑर्डर की थी, इट वॉज सम रेड वैलेंट रेड हार्ट फ्रैपेचिनो समथिंग लाइक दैट, यू विल सी इन द वीडियो. तो मैं वहाँ वीडियो मैं वहाँ वीडियो बना रही थी और दिस वेट्रेस वॉज वेट्रेसिंग फॉर मी, वो भी मेरे वीडियो में आ रही थी बिकॉज मैंने उसके साथ थोड़ा सा वीडियो बनाया था. बट देन आई टोल्ड हर कि आई एम मेकिंग फॉर यूट्यूब ताकि वो हेजिटेट ना करे. देन उसने मुझे बताया उसका कोई फ्रेंड है जो यूट्यूब पे कुछ वीडियोस में आया हुआ है. देन शी टोल्ड मी कि कैसे बना सकते हैं वो, या उसे टिप्स दे सकती हूँ क्योंकि वो करना चाहती है काफ़ी एंथुजियास्टिकली, विच वॉज सरप्राइजिंग फॉर मी. तो मैं काफ़ी खुश हुई, तो मैंने उसको बताया ऐसे 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 कर सकते हो, वीडियोज फ़ोन से बना लो, ये वो काफ़ी कुछ हमारी कॉन्वर्सेशन हुई. देन उसके बाद में मैंने उसको बाद में कहा कि तुम फ़ोन से बना लो एंड यू शुड स्टार्ट इमीडिएटली. तो उसने मुझे बोला कि मैं कुछ महीने तक सेव करूँगी, लाइक 7-8 मंथ्स, फिर मैं एक फ़ोन खरीदूंगी, फिर मैं स्टार्ट करूँगी. एंड आई वॉज थिंकिंग कि मतलब द वे शी वॉज टॉकिंग, शी वॉज वेरी एक्साइटेड टू डू समथिंग, मतलब वीडियोज़ में. एंड 6-7 महीने वेट करना इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम. एंड मतलब इमेजिनिंग कि 10-12 हज़ार की सैलरी में 6-7 महीने में पैसे जोड़ के एक फ़ोन खरीदना इज़ अ टास्क. और उसके दो बच्चे हैं, शी वॉज 21 ईयर्स ओल्ड, शी वॉज वेरी यंग. सो शी लाइक शी सेड शी गॉट मैरिड इन 18. आई वॉज थिंकिंग कि मतलब दैट्स अ लॉन्ग टाइम. एंड इमीडिएटली अ थॉट केम टू माई माइंड वॉज कि क्या मैं इसको फ़ोन खरीद के दे दूँ तो एटलीस्ट शी कैन स्टार्ट इमीडिएटली. आई मीन व्हाट्स द हार्म कि अगर किसी ने को, मतलब इट्स हर ड्रीम टू, और इफ़ इट्स हर पैशन, और मे बी फॉर एनी रीजन शी वॉन्ट्स टू मेक द वीडियोज, तो अगर उसमें मैं एक ब्रेक लगा सकती हूँ तो वाई नॉट, बिकॉज मैं ये कर सकती हूँ, मेरे लिए ईजी है करना. ऑल दो इतना ईजी नहीं है, मतलब मेरे पास कोई पैसों का झाड़ नहीं लगा हुआ है, आई कम फ्रॉम अ वेरी बेसिक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, बट स्टिल लुकिंग एट हर कंडीशन एंड माई, मुझे लगा मैं कर सकती हूँ तो मैं कर देती हूँ ना, व्हाट्स द हार्म इन दिस. और मुझे ऑनेस्टली ये फीलिंग इमीडिएटली आई एंड मैं स्टारबक्स से निकल के आई वेंट अपस्टेयर्स बिकॉज इट वॉज अ मॉल, आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर फोन्स. बट वहाँ पे सिर्फ एप्पल का स्टोर था और उसमें आईफोन 6 अवेलेबल नहीं था, और उसके अलावा मैं कुछ और अफोर्ड नहीं कर पाती. तो फिर मैंने सोचा ओके फाइन. सो फिर कल भी मेरे दिमाग में यही बात चल रही थी दैट आई शुड, मैंने उसको एक चॉकलेट दी एक रैप करके दैट यू शुड गो ऑन फॉर द वीडियोज एंड ऑल ऑफ दैट. फिर मैंने आज इवेंचुअली मेरे डैड का बर्थडे भी है, सो आई फेल्ट हैप्पी डूइंग दिस. मैंने मोबाइल खरीदा, आई केम टू द स्टारबक्स एंड आई आस्क्ड हर कि तुम्हें कोई स्पेसिफिकली फ़ोन चाहिए, शी सेड नो मैम. उसको समझ ही नहीं आया मैं ये सब क्यों पूछूं. मैंने उसे कहा मैं तुम्हें फ़ोन दे देती हूँ, तुम वीडियोज़ बना स्टार्ट करो. एंड शी वॉज लाइक स्पीचलेस ऑल टुगेदर. शी वॉज ऑन काउंटर जहाँ ऑर्डर प्लेस करने के लिए खड़े होते हैं लोग, मैं वहाँ खड़ी थी और मैंने उसको ये सब बोला. शी वॉज लाइक स्पीचलेस, कहती है नहीं मैम कुछ भी दे दो, मैम आप फ़ोन दे रहे हैं ऑल ऑफ दैट. मैंने कहा मैं इसको लेके आती हूँ. फिर मैं मॉल से निकली और मैं गई पैदल चल के एक शॉप पूछती, और फिर मैं शॉप पे गई और मैंने मोबाइल खरीदा. अराउंड लाइक 10,000 से 12,000 समथिंग का कुछ आए, पर जो मुझे पसंद आए थे वो 18,000 के थे. समा उसमें 16,000 तक डिस्काउंट मिला है, सेइंग 14,000 में दे दो भैया. देन दैट भैया वॉज लाइक कि मैडम, मैंने कहा मैं किसी का भला करने के लिए फ़ोन खरीद रही हूँ, तो कहते हैं हमारा भी भला कर दो. सो कॉन्वर्सेशन इस तरीके की होती रही. फिर इवेंचुअली मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया, आई वॉज लाइक यार मेरे को एक चैरिटी, मतलब मुझे एक फ़ोन खरीदना है, ट्राइंग टू हेल्प समवन. तो एंड देन आई टोल्ड दिस भैया कि एक्चुअली मैं किसी की हेल्प करने के लिए खरीद रही हूँ, थोड़ा डिस्काउंट दे दो, मुझे इतने रुपए नहीं है मेरे पास. सो व्हेन दिस भैया हर्ड दिस लिटिल स्टोरी कि मैंने किसी से स्टारबक्स में बात की एंड मैं उसको सिर्फ फ़ोन दे रही हूँ ताकि वो वीडियोज़ बना सके, उसकी थोड़ी हेल्प हो जाए, ओ भाई गॉड यू वोंट बिलीव. उनके कार्ड को मैंने कार्ड को डाला स्वाइप करने के लिए, ही सेड कि आप अमाउंट एंटर कर लो जो आपको देना है. आई वॉज लाइक ओ माई गॉड रियली, ही सेड कि आप जब इतना अच्छा काम कर रहे हो तो मैं इतना नहीं कर सकता. एंड दैट वॉज सच अ टचिंग मोमेंट, मतलब
उनको क्या जरूरत थी मेरी बात मानने की, बट उन्होंने मानी एंड मैंने उसमें 14,000 एंटर किए एंड आई पेड 14,000. उन्होंने मुझे 16,000 का बिल दिया फिर भी, मतलब उन्होंने अपने पैसे लगाए. नॉट जस्ट दैट, ही वॉज लाइक सो मच सरप्राइज्ड कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है. और उन्होंने मेरे मोबाइल का जो स्क्रीन गार्ड था वो टूटा हुआ था, उन्होंने मेरा मोबाइल लिया, स्क्रीन गार्ड हटा के मेरा स्क्रीन गार्ड चेंज करा. जो उन्होंने लगाया उसमें थोड़ा कुछ ब्लर आ रहा था कैमरे में, उन्होंने वो चेंज किया. उन्होंने 3 स्क्रीन गार्ड मेरे मोबाइल में लगाए क्योंकि 2 सही नहीं थे एंड ही डिड नॉट टेक एक पैसा उसके लिए. आई वॉज सो टच्ड कि मैंने उनको ये बताया कि मैं किसी की हेल्प करने के लिए फ़ोन खरीद रही हूँ. उन्होंने सच में मेरे को उसी अमाउंट में दिया जिसमें मैं लेना चाहती थी, और वो 18,000 का कोई वीवो का फ़ोन था. आई वॉज लाइक ओ माई गॉड. एंड ही वॉज लाइक दैट पर्सन, द शॉप के ओनर, उनका नाम नदीम है, बंजारा हिल्स में है ये शॉप. और उन्होंने मतलब आई वॉज सो टच्ड एंड आई वॉज एक्चुअली एबल टू अंडरस्टैंड कि जो लोग बोलते हैं ना कि जब हम अच्छाई के लिए एक स्टेप लेते हैं तो हमारे साथ बहुत लोग ऐसे होते हैं जो एक स्टेप और ले लेते हैं, तो हमारे लिए ईजी हो जाता है और हमें ये बात बहुत कॉन्फिडेंस देती है कि हम नेक्स्ट टाइम कभी किसी का अच्छा करने से पीछे नहीं हटते. आई एम श्योर बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास ये इस तरीके की कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें होंगी कि मुझे क्या पता वो बनाएगी या नहीं बनाएगी, वो उस फोन को बेचती है. और लाइक मुझे जाना ही नहीं है नेगेटिव एंड्स पे क्योंकि वो तो एंडलेस होता है ना, मतलब इनफाइनाइट चीज़ें हो सकती है, बट मैं उन इनफाइनाइट चीज़ों को क्यों देखूँ. मेरे दिमाग में एक थॉट आया, मुझे किसी ने कुछ बताया, मुझे पता है मैं वो कर सकती हूँ और मैं करना चाहती थी. कर सकते तो बहुत कुछ है हम, लेकिन हम करना क्या चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है. मैं वो करना चाहती थी तो मैंने वो किया और मुझे इस बात ने बहुत खुशी दी. जस्ट इमेजिन वो लड़की उसको यूज़ करके वो सब वो करती है जो वो करना चाहती है, और यही वो 7-8 महीने बाद बचा करके करती, मेरी वजह से वो चीज़ आज कर पाएगी. और मतलब दिस मेड मी हैप्पी कि अगर मेरे पास कुछ है जो किसी की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकता है तो वाई नॉट. एंड आई अंडरस्टैंड इस दुनिया में बहुत लोगों को बहुत चीज़ों की ज़रूरत है. मैं सबकी ज़रूरत नहीं पूरी कर सकती, मैं सबको सबके पाथ्स क्रॉस नहीं कर सकती हमेशा उस टाइम पे जब उनको उस चीज़ की ज़रूरत है. लेकिन अगर मैं किसी एक इंसान का भी कर रही हूँ और मैं उसकी हेल्प कर पा रही हूँ तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट. और मतलब क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत टाइम्स रहे हैं जब मैं ट्रैवल कर रही थी या मैं इधर उधर स्ट्रेंज जगहों पर थी, तब लोगों ने मेरी हेल्प की है विदाउट इवन नोइंग मी. तो मुझे ऐसा लगता है जब मुझे कोई ऐसा इंसान मिलता है तो आई फील लाइक जब भगवान ने मुझे जब ज़रूरत थी तो मुझे हेल्प प्रोवाइड करवाई, सो इट इज़ माय टाइम टू गिव इट बैक. सो इट इज़ नॉट अबाउट द अमाउंट कि मैंने कितने की क्या चीज़ उसको दी, इट इज़ अबाउट द थिंग कि मैं ऐसा कुछ देना चाहती थी जिस फ़ोन में एक्चुअली ऐसी क्वालिटी हो एटलीस्ट 4-5 साल तक वो यूज़ कर सके और वीडियोज़ बना सके. क्योंकि ऑब्वियसली मैं हैदराबाद से चली जाऊँगी, मुझे नहीं पता वो फ़ोन कितने टाइम उसको ज़रूरत पड़ेगी क्या होगा, बट मैंने अपने एंड से वो किया जो मुझे सही लगा. एंड इमेजिन दिस पर्सन जिनकी शॉप से मैंने फ़ोन ख़रीदा, इन्होंने मुझे वापस मॉल तक ड्रॉप किया जो कि 1 किलोमीटर दूरी था. ही इन्वाइटेड मी फॉर डिनर अपने घर पर, ही वॉज लाइक सो मच टच्ड कि मैं ऐसा कोई जेस्चर कर रही हूँ, ही इज़ लाइक कि मैं अपनी फैमिली को बताऊँगी. ही वॉज सो टच्ड एंड आई कुड फील कि मतलब हमारे पास बातें करने के लिए बहुत कुछ होता है. हाँ, ये गरीबों की मदद कर दो, NGO में डोनेट कर दो, बट मुझे ऐसा लगता है जब तुम्हारे सामने कोई आ रहा है ना जो तुम्हें बता रहा है कि उसे कुछ ज़रूरत है और तुम वो ज़रूरत पूरा कर सकते हो, दैट इज़ इट, वो कर दो. आई मीन कोई जिंदगी भर ये हमेशा करना है ऐसा नहीं है, बट जिस टाइम पे तुम्हें फील हो रहा है तुम कर सकते हो तुम कर दो. मुझे ये चीज़ लगती है कि हम दुनिया नहीं बदल सकते लेकिन हम किसी एक इंसान की मदद करके उसकी पूरी दुनिया बदल सकते हैं. वो लड़की इतनी खुश थी, शी केप्ट ऑन टेलिंग मी बार बार कि मैम मैं आपको जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, मैं ये बात जिंदगी भर नहीं भूलूंगी. एंड दैट गेव मी दैट फीलिंग कि मैं किसी के काम आई. ऑब्वियसली मैं वो पैसे कमा सकती हूँ, मैं कोई भी छोटा मोटा प्रोजेक्ट करके वो पैसे कमा सकती हूँ, मेरे लिए वो इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है. मतलब भगवान ने जैसी लाइफ हमें दी है हम उसमें वो चीज़ें कर सकते हैं, तो अगर हम किसी के लिए थोड़ा बहुत कर दें हमारी लाइफ में कुछ घटेगा नहीं. आई एम श्योर बहुत सारे जनों के लिए ये वे बियॉन्ड होगा कि वट आई हैव आई डन, मतलब स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी आउट ऑफ ब्लू विदाउट गिविंग एनी थॉट्स, बट मुझे इस बात ने बहुत अच्छा फील कराया है. और मैंने ऐसा पहले भी बहुत लोगों के लिए किया है, मैं और मेरी नीस चारू हम यूजुअली ये चीज़ें करते हैं, हम किसी को बताते नहीं हैं कभी भी, बट ये मैं शेयर इसलिए करना चाहती थी बिकॉज देर आर पीपल जो मेरे वीडियो देख करके मुझे मैसेज करते हैं और कमेंट्स या DMs करते हैं कि वो उनसे इंस्पायर हो रहे हैं, उनको हेल्प हो रही है. सो आई एम शेयरिंग दिस बिकॉज अगर कोई भी ऐसा इंसान जिसको लगता है कि वो ऐसा करना चाहता है, उसके लाइफ में ऐसी सिचुएशन एनकाउंटर हो तो वो करे, तो प्लीज़ डोंट गिव अ सेकेंड थॉट. क्योंकि द पॉइंट इज दैट, द अल्टीमेट पॉइंट इज दैट कि अगर तुम अच्छे थॉट प्रोसेस से कोई काम कर रहे हो तो तुम्हारे इंटेंशंस काउंट होंगे.
सामने वाले ने अगर तुमसे झूठ भी बोला हेल्प के लिए, तो वो उसके बुरे इंटेंशंस है. तुमने जो अच्छा किया तुम्हें वो वैसे ही रिटर्न मिलेगा. सो अगर ज्यादा डेप्थ में जाके क्वेश्चन करोगे ना चीजों को, तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे. जैसे मेरे करने के बाद अगर मैं 2-3 जनों को ये बात बताऊंगी, तो उसमें से लोगों का यही होगा कि मैं 16,000 में 16 जनों की मदद कर सकती थी, 1,000 रुपए का कंबल और खाना दे करके. तो ऐसे बहुत अनफाइनाइट चीजें हैं जो हम कर सकते थे. लेकिन मैटर ये करता है कि तुम किस वक्त क्या करना चाह रहे हो, और तुमने वो किया या नहीं किया, और तुम्हें वो काम करके कैसा फील हुआ. आई नो ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, बट इट इज ओके, क्योंकि जो भी वो 5-7-10 जन है जो मेरा वीडियो पूरा देखते हैं और जिनके लिए फ्रूटफुल होता है, सो मेरा फोकस वही रहते हैं कि उनको पूरा डिटेल में बताऊं मैं. एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर नदीम जी कि आपने मुझे वो डिस्काउंट दिया. और मतलब वो चाहते तो मेरी बात नहीं मानते कि वो एक शॉप के ओनर है, मैं उनसे मोबाइल खरीद रही हूँ और मैं उन्हें बोल रही हूँ कि मैं किसी को दे रही हूँ और मैं ऐसे किसी को दे रही हूँ तो आप मुझे डिस्काउंट दे दो. तो वो सोच सकते थे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा. जैसे कि मैंने उस लड़की की बात मानी, तो पता है इट इज लाइक दैट, अगर तुम अच्छा करोगे तो तुम्हें वैसे ही लोग मिलेंगे जैसा तुम कर रहे हो. सो बिलीव इन दैट. एंड आई वुड से कि अगर तुम्हें लाइफ में ऐसे कोई लोग मिल रहे हैं जिनकी तुम मदद कर पा रहे हो किसी भी तरीके से, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मनी. देर आर समटाइम्स कि जब आप किसी को अपना टाइम देके उसके प्रॉब्लम सुन के भी उसकी हेल्प कर पा रहे हो, तो किसी तरीके से भी किसी भी लेवल पे कर पा रहे हो, जस्ट डू इट. इट मेक्स यू फील लाइक ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बिलीव मी. और आई एम श्योर कि मतलब ऐसे मतलब ये बातें काफ़ी मेरे नोन्स हैं जिनको इस वीडियो से पता चलेगी, जिनको मैंने बताई नहीं ये बात, और मैं प्लान भी नहीं कर रही किसी को बताने का, बट मैं यहाँ पे बताना चाहती थी क्योंकि आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि हमारी ऐसी चीज़ किसी की अगर ज़िंदगी बदल सकती है तो हमें वो करना चाहिए. नेवर मिस अ चांस टू हेल्प समवन. ओके, सो आई विल ऐड सम क्लिप्स आफ्टर दिस वीडियो अबाउट द शॉप एंड द पर्सन हु गेव मी डिस्काउंट एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. दिस वीडियो हैज़ गॉन लॉन्ग. But it's okay. Thank you so much, guys. And I hope I have shared something good with you. And I hope you take it in a good manner. क्योंकि नेगेटिव हर चीज़ में निकालना बहुत आसान है यार. उस बात में उतना पॉजिटिव लेना जितना तुम्हें दिया जा रहा है वो बहुत मुश्किल है. So, okay, on this note, bye-bye. Take care. ये है कौन सा Vivo Y83 Pro Dual कैमरा और काफ़ी अच्छा फ़ोन है, और इसकी MRP 16,000 है, बट इन्होंने मुझे 14,000 में दे दिया. अब मैं जाके उसको दूंगी. इंसान जिन्होंने मुझे इतना डिस्काउंट दिया, मेरे फ़ोन पे टेम्पर्ड ग्लास भी लगाया और वो ब्लर हुए, तो दो टेम्पर्ड ग्लास इनके वेस्ट हो चुके हैं अभी तक. दैट्स नॉट द थिंग, ये दे रहा है. बट मतलब मुझे हैदराबाद इतना अच्छा लग रहा है, इतने अच्छे लोग मिल रहे हैं, और उनकी ना शॉप बंजारा हिल्स में, तो जो भी हैदराबाद रहता है वो फ़ोन यहीं से खरीदना प्लीज़, ठीक है? क्योंकि आपको है ना फ़ोन खरीदने के बाद भी जो सर्विसेज होंगी आई एम श्योर बहुत अच्छी मिलेगी. थैंक यू. तुम्हारा थैंक यू. कैसा लग रहा है तुम्हें? आप तुम वीडियो बनाओगी ना? यस, है ना? पक्का अपना चैनल मुझसे भी ज़्यादा ग्रो करोगी, है ना? अच्छे से सारे वीडियोज बनाना. खुश हो? आई विल डेफिनेटली मेक योर लाइक वीडियोस, है ना? पक्का से? बिकॉज नाउ यू हैव द फोन, राइट? हैप्पी? हैप्पी. थैंक यू सो मच. क्या बोल रही थी तुम अभी? हाय हाय so much. Never forget you.